कैसे हो सब लोग? दुआ करता हूँ सब लोग बड़े होंगे। वेलकम बैक टू द व्लॉग। सबसे पहले जय श्री राम। ये दरवाजा बंद नहीं हो रहा। तो भाई लोग, अभी तुम लोग सोच रहे होंगे भाई काफ़ी दिन बाद व्लॉग आ रहा है, क्योंकि भाई बताऊँगा इसके पीछे का रीज़न अच्छा भी है और ठीक भी है, मतलब दोनों भी बराबर है। तो अभी तुम लोग सोच रहे होंगे मैं जा कर रहा हूँ, तो भाई काफ़ी टाइम बाद सुनने में आया है, मतलब ऐसा सुनने में आया है कि माल देवता में एक झरना वाटरफॉल दिखाया है, मतलब मिला है नया, काफ़ी उसकी वीडियो भी वायरल हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी जाता हूँ भाई और एक वीडियो बनाते हैं और तुम लोगों को बताते कि कहाँ पे है रास्ता, कहाँ से क्या है। ठीक है, चाबी लगाते हैं इसमें, लगा दी इसमें चाबी, इसी पे जा रहे हैं। अपनी ड्यूब तो है नहीं अपने पास अभी, तो निकलते हैं भाई यहाँ से। अभी हम रायपुर चौक में, ये देख लो, ये देखो ये कहाँ जा रहे हैं, ये है महाराणा प्रताप चौक। अब यहाँ से हम लोग भाई जाएंगे सीधा, ठीक है, सीधा जाएंगे, फिर मैं वहाँ से बता दूंगा कहाँ जाना है। ठीक है, तुम लोग इधर आ जाना यहाँ पे, और यहाँ से जाना है सीधा, इधर नहीं जा रहे हैं, यहाँ से ये रोड स्टेडियम के लिए जा रही है भाई तुम्हारी, ये वाली, और ये जा रही है सीधा यहाँ इस वाली में आना है। सो गाइस, ये देख सकते हो भाई, यहाँ से अगर तुम लेफ्ट जाओगे तो ये सहस्त्र धारा के लिए होगी, और आपको जाना है इधर, जैसे कि हम लोग निकल गए राइट के लिए, और वो राइट और जो लेफ्ट जा रही थी वो सहस्त्र धारा के लिए जा रही थी, और आपको सीधा ही जाना है सामने सामने, और धीरे धीरे जाएंगे, पीछे चेकिंग चल रही थी। देख सकते हो ये लड़का मेरे को देख के सुना रहा है। तुम यहाँ पे आओगे, ठीक है, यहाँ से आगे के लिए जाओगे तो माल देवता है, यहाँ से ऊपर जाओगे तो झरना है, ठीक है, तो यहाँ से ऊपर जाना है, धनौल्टी लिख रखा है ना जहाँ के लिए, धनौल्टी और तीरी चंबा, यहाँ जाना है हमें सीधा सीधा, ठीक है। और बाकी इधर जाओगे तो इधर भाई माल देवता है यहाँ, यहाँ से तो बाकी चलिए आप धीरे धीरे ऊपर चलेंगे, ठीक है। और रास्ता भी ख़राब है भाई, रास्ता भी काफ़ी ख़राब है, तो भाई इतने टाइम बाद व्लॉग इसलिए आ रहा है क्योंकि तुम्हें आराम से बैठ के समझाऊंगा, आजकल तुम्हारा भाई बहुत बिजी है ना, इसलिए। तो गाइस ऐसे ही जाओगे तुम गलत राह पे, देखो अगर मेरे साथ ही चलोगे वो लोग जा रहे भाई भाई इधर है रास्ता भाई, तो भाई इधर से भाई मैं इधर भी गया हूँ, इधर से लास्ट में गांव आता है, और यहाँ से तुम लोग वहाँ भी निकल सकते हो धनौल्टी, ठीक है, इधर से, और लेकिन हमें यहाँ से जाना है लेफ्ट। और भाई तुम्हें अगर यहाँ के बारे में एक चीज़ बता दूँ, ये आगे दून डिफेंस अकेडमी है देहरादून, ठीक है, डिफेंस अकेडमी भाई, ये ना बाढ़ में बह गई थी, सोचो यहाँ देखो पानी, ओ भाई यही नाले भाई, यहाँ देख सकते हो तुम लोग यहाँ पे कितनी ज़्यादा ऑफ रोडिंग टाइप की है। तो भाई स्कूटी में तो आना मत, मतलब आना पर थोड़ा धीरे चला लेना बस, थोड़ा स्कूटी की रेड मर सकती है। बाकी ये देख सकते हो, ये है दून डिफेंस अकेडमी, ठीक है, देहरादून, सॉरी दून तो अलग हो गई, तो तुम्हें बस सीधा सीधा चलना है, बाकी मैं बता दूंगा तुम्हें कहाँ से तुमने कहाँ क्या होना है। तो बाकी व्यू के नज़ारे लो भाई, साइड में बाढ़ के कारण देख लो भाई कितना कुछ नुकसान हुआ है लोगों का, यहाँ पर बन भी रहा है वैसे, देख सकते हैं जेसीबी लग रही है, बहुत कुछ काम चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा खराब रहता है भाई, क्योंकि आना लेकिन थोड़ा ध्यान से आना होगा, ठीक है, आराम से, बाकी हम धीरे धीरे चलेंगे। और जहाँ पर मैंने वीडियो में देखा था वो रिजॉर्ट के भी ऊपर है, हम लोग रिजॉर्ट की गाड़ी खड़ी करके तो थोड़ा बहुत यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने गाड़ी खड़ी कर दी है यहाँ पर, ठीक है। और भाई रिजॉर्ट दिखा देता हूँ तुम्हें सामने, कुछ ऐसा रिजॉर्ट है यहाँ पे, फिर यहाँ पे लोगों ने खड़ी कर रखी है, पर देखते हैं वो मेरे साथ के तो वो जा रखे वहाँ पे, वो पता नहीं क्या क्या ले रहे हैं भाई, यहाँ से चलते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से, बाय बाय, चलते हैं। यहाँ से हमारा ट्रैक हो चुका है स्टार्ट, जो कि हमने जाना है इधर साइड, तो देखते हैं फिर क्या होता है। तो ये थोड़ा भाई, ये थोड़ा देख के ना केआर कोटी की याद आ गई उत्तरकाशी, ठीक है। तो ये है कि यहाँ दुकान, बाकी इधर यहाँ पे तुम लोग गाड़ी खड़ी कर सकते हो, रूम से मिलते हैं इधर, इधर साइड, इधर रूम वगैरह। चढ़ाई तो स्टार्ट हो गई है, और कुछ ऐसी है चढ़ाई, देख लो भाई, ठीक है, अब देखते हैं कितना दूर है, बाकी चल रहे हैं अभी, फिर देखते हैं क्या होता है सीन। भाई साहब कहाँ जाना है, खैर ये तो छोटी हमारे लिए, हम तो काफ़ी चढ़ रखे हैं, कितना भाई यहाँ देख लो, ये बेटा और वहाँ क्या हो रहा भाई, यहाँ से अभी देख लो कैसी है भाई, पत्थर पुत्थर है भाई तो भाई ऊपर से देख ले एक बार, यहाँ से देख सकते हो तुम झरना, ये देखो कितना
इतना प्यारा लग रहा है भाई। और यहाँ पे देखो लड़कियाँ भी आ सकती है, ठीक है, ये लड़कियाँ हैं तो यहाँ से देखो पूरी आ सकते हैं लड़कियाँ लड़कियाँ, ठीक है, ट्रैक कर सकते हैं, तो ऐसे कोई डरने की बात नहीं है भाई। तो गाइस अभी अभी जस्ट जो ऊपर से लड़के आ रहे हैं वो हमें बोल रहे हैं कि भाई बहुत भीड़ है, मत जाओ ऐसा वैसा, पर जाएंगे तुम्हें दिखाना है तो भाई दिखाएंगे ज़रूर। वो देखो ऊपर ये रहा, ठीक है, ये है, पर बहुत भीड़ है, सच में बहुत भीड़ है। और यहाँ पे व्यू भी देख सकते हो आप, सच में लगभग 2 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई है, 2 किलोमीटर मान लेना क्योंकि पता नहीं चल रहा ना। तो बाकी वो देखो वो है सामने झरना, बाकी यार झरने तो बहुत देखे और पर भीड़ भी बहुत है भाई, उस हिसाब से जितना मैंने सुना भीड़ बहुत है। और तो गाइस यहीं देख लो, यहाँ से अब दिख रहा है बुरा ये, तो ये देख लो। तो गाइस कभी भी कोई जगह फेमस हो रही है ना, यानी तो वहाँ थोड़ा लेट जाओ, यानी तो जैसी फेमस हो रही है वैसे एक दिन बाद चले जाओ, पर लेकिन थोड़े दिन बाद मत जाओ जैसे मैं आया हूँ, क्योंकि तुम्हें पता क्या देखने को मिलेगा, एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है, कुछ ये देखने के लिए मिलेगा ऐसा। ये देखो भीड़ देख रहे हो तो भाई, सामने से ऐसा है, लो देख लो सामने से कुछ ऐसा है तुम्हारा भाई, ये है देख लो कितनी भीड़ है यार। और यहाँ देखो यहाँ पे दारू दूरी पी रहे हैं लोग, चिकन चिकन बना रहे हैं, क्या बोल रहा भाई। क्या देखो भाई, है तो बहुत प्यारा झरना पर भाई ये हो रखा है, कुछ भीड़ हो रही है आज बहुत ज़्यादा। तो गाइस कुछ ऐसा है भाई सामने से व्यू, ये देख लो सामने से कुछ ऐसा दिख रहा है भाई, ये देखो बहुत प्यारा लग रहा है वैसे तो। मज़ा आ रहा है, मैं जा रहा हूँ नहाने, ठीक है, तुम देखो। भाई अलग ही मज़े आ रहे हैं, सच बोल रहा हूँ भाई, बहुत तगड़े मज़े आ रहे हैं अलग ही। यहाँ पे गहरा भी है और यहाँ से देख लो, ठीक है, लड़के लोग सब आ गए भाई, गहरा भी है भाई। तो भाई इसको देखो यार, इसको देखो तो भाई, यहाँ देखो ये यह है यहाँ का, ठीक है, कुछ ऐसा भाई। मैं तो नहा गया, अब मैं जा रहा हूँ घर के लिए, बहुत भीड़ है वैसे, तो घर के लिए निकलते हैं भाई। अब भाई यहाँ पर देखो मक्खियाँ भाई, वहाँ पर तो भाई जब यहाँ से जाने का टाइम आ गया, ठीक है, यहाँ से निकल रहा हूँ मैं, बाकी इधर आओगे तो भाई अपने अपने साथ ना क्या बोलते हैं तौलिया कच्छा बनियान सब लेके आना, वरना मेरी तरह हाल हो जाएगा, देखो पूरा लोअर हो गया गीला। वैसे मेरे पास मैंने कच्छा पहन रखा था लेकिन यार अच्छा नहीं लगता ना, ऐसे अच्छा नहीं लगता क्या, वैसे तो उतार लेते लेकिन अच्छा नहीं लगता, तो कोई बात नहीं, निकलते हैं अब यहाँ से, फिर मिलते हैं भाई आपको, लास्ट की झलक देख लो एक बार। भाई अच्छा है, मतलब रास्ता भी अच्छा है और वैसे हिडन तो नहीं रहा अब बोल सकते हैं जैसे कि, क्योंकि सब आ गए। और भाई तुम्हें एक चीज़ दिखाऊं, यहाँ लोग गंदगी कर ही नहीं सकते थे पर वहाँ देखो भाई बोतले बोतले फेंक रखी है, वही बात है। और ऊपर जाके ना वहाँ पे उसके बगल में क्या बोलते हैं झरने के बगल लौंडे अपनी पार्टी फैमिली अलग, तो बढ़िया है, मतलब अच्छा लगता है, पर थोड़ा कूड़ा काड़ा भी अपने साथ ले जाओगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि जैसे पहले बाढ़ आई थी वैसे भी आ सकती है, तुम्हें पता है क्यों आती है बाढ़। तो वैसे तुम्हारा भाई अभी भी जस्ट घर पहुंच ही गया लगभग, अभी भी पहुंचा, मैंने रास्ते की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि सबको पता ही है माल देवता कहाँ से जाओ, मतलब माल देवता तक तो सभी पहुँच सकते हैं, उसके बाद बता रखा मैंने रास्ता। तो अभी भी जस्ट आया, बाल बुल खड़े हो गए, पर लोवर देखो आधा सूखा आधा नहीं सूखा, कोई नहीं, बाकी ये लाड़काओं में खाने के लिए थोड़ा सर दर्द भी हो रहा है और जिम भी जाना है, तो भाई जिम जाना तो इम्पोर्टेंट है, निकलते हैं फिर मिलते हैं आपको।